तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और आज मैं आया हूँ एक ऐसी लोकेशन पे जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड हो रही थी, जिस पे लोग चाहते थे मैं जाऊं। तो मैंने सोचा मैं अकेले क्यों जाऊं, मैं किसी को साथ लेके आऊं, अपने साथ इन्वेस्टिगेशन पे लेके जाऊं, जो कि वो चाहता भी था मेरे से भाई कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूं मैं उनके साथ। तो पहले मैं उनको बुला देता हूं, फिर आपसे थोड़ी सी बात कराता हूं। और मैं चाहता भी था कि इस जगह पे लेके आऊं किसी को, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे थे भाई को भी मेरे को भी। तो मैंने कहा अपने भाई को मैं लेके आता हूं इस जगह पे। तो भाई वेलकम करते हैं अपने सरासत भाई का सरासत ब्लॉग। नमस्कार सभी भाइयों को, सत श्री अकाल, राम राम। सब जानते होंगे भाई का चैनल है भाई सरासत ब्लॉग। बिल्कुल है भाई, सब जानते हैं। और तब सब जानते हैं तभी आज, और मैंने बोला था सागर भाई जी को एक बार वीडियो थोड़ा सा टाइम निकालें, क्योंकि ये थोड़े बिजी रहते हैं, आपको बताइए इनके बारे में। तो भाई के साथ वीडियो में मैंने कहा एक बार आना है और वीडियो शूट करनी है, क्योंकि सच रियल नाम है ना, हैशटैग सच तिवारी। तो हमें, हम भी उसी पे, आपको पता है मोटिव हमारा वही है, जो फेक दिखा रहे हैं फेक को डर हटाना लोगों के मन से, और जो सच क्या है पैरानॉर्मल के बारे में वो बताना। और सागर भाई जी उस फील्ड में उस तरीके से काम कर रहे हैं कि उनकी अगर वीडियो कोई बच्चा भी देखेगा तो मालूम पड़ेगा कि ये पैरानॉर्मल में डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो आजकल लोगों को डराने का सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक बार रिकमेंड किया, एक बार रिक्वेस्ट की भाई से, एक बार वीडियो बनाएं और बताएं कि क्या ऐसी चीज़ें होती। और मैं भी जानना चाह रहा था, मेरी भी दिली इच्छा थी कि भाई से कुछ चीज़ें पूछना, कुछ सवाल थे मेरे मन में। और वीडियो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पहले से फ़ैन हूँ सागर भाई जी का। तो बहुत अच्छा लगा भाई हमारे। वेलकम, थैंक यू सो मच सरासत भाई आपका। और आप सभी को बता देता हूँ मैं दिल्ली से आया हूँ मथुरा में इस लोकेशन को शूट करने। और जो लोकेशन है शायद आपने थंबनेल देख के पहचान ही लिया होगा कि हम हैं एक शमशान घाट में। और ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, मैं आपको सच ही दिखाऊंगा भाई जो मेरा काम है। जी 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 बिल्कुल। 11 बज रहे हैं और 12 बज ही जाएंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी। हाँ, गूगल टाइम दिखा दो और मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ जी, जो भाई गूगल टाइम का ट्रेंड लेकर आए थे ना, वो भाई ये अपने सागर भाई लेकर आए थे YouTube पर। नहीं, उठा के देख लेना वीडियो सागर भाई की पुरानी, पता लग जाएगा। ये लोकेशन है भाई मेरे घर से यहाँ की। अभी देख लो मैं कितनी दूर आया हूँ शूट करने, यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा 2 घंटे। ये अराउंड 178 किलोमीटर। ये गूगल टाइम भी ले लो एक बार। हाँ, गूगल टाइम भी दिखा दो इनको। 10:58 PM हो रहे हैं, मतलब रात के 10:58। रिफ्रेश कर देता हूँ, लोग कहते हैं कि रिफ्रेश कर दो, स्क्रीनशॉट नहीं दे दिया कहीं गूगल टाइम का। नहीं नहीं भाई, हमें जब आप यहाँ पे हो ना तो इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो कि स्क्रीनशॉट दिखा के वीडियो बना लें, और वो क्या करते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए आते हैं लोकेशन की तरफ। तो भाई आज हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप लाए हो अपना कुछ इक्विपमेंट, आपने भी खरीदा? मैं निकालता हूँ, मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूँ क्या है। ये जो शमशान घाट है ये बहुत ही बेहतर, हमें थोड़ा इसके बारे में इंटरेस्ट इसलिए हुआ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो डेड बॉडियाँ तो हर एक शमशान घाट में जलती हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादातर जो डेड बॉडियाँ आती हैं वो जिला अस्पताल से, जो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के दौरान या कुछ प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो डेड बॉडियाँ भी आती हैं। और ऐसा माने सुना है पैरानॉर्मल के बारे में कि जो इस टाइप से मृत्यु होती है वो थोड़ा एनर्जी जो होती है वो थोड़ी अग्रेसिव एनर्जी होती है, या आत्मा होती है जो भी होती है वो थोड़ा खतरनाक या अग्रेसन रूप होता है, ऐसा माना गया है। ये कुछ एनर्जीज जो बताई जाती हैं कि एक्टिव हैं, काफी चीजें यहाँ पे देखी गई हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, जैसे कि बताया जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो उनकी डेथ हो जाती है तो उनको यहाँ पे जलाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसी जब डेथ होती है तो उनकी जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो ज्यादा भटकती है। तो मोटिव यही था कि ये जानने आए थे हम यहाँ पे कि यहाँ पे वाकई कुछ ऐसा है या नहीं है। तो चलिए शमशान घाट देखते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आइए। ये है सागर भाई जी, इधर ये पूरा शमशान घाट है। और भाई जी को बता दूं, और यहाँ पे नीचे भी जो ये यमुना जी की जो नीचे किनारा है ना, नीचे यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा डेड बॉडियाँ जलाई जाती हैं। और उनको लाया ही इसलिए जाता है क्योंकि
यहाँ पे यमुना जी है तो लोग अपना धर्म की भी आस्था भी है तो यहाँ पे लाते हैं और मानना है उनका ऐसा गंगा जी यमुना के किनारे लोग हमारे धर्म में चाहते हैं कि यहाँ पे अंतिम संस्कार हमारा हो तो बहुत आगे के लिए कुछ जो भी मान्यता है उनका हम सम्मान करते हैं पूरे दिल से। और पर यहाँ पे हम ये देखने आए कि वास्तव में यहाँ पे कुछ हमें मिलता है या नहीं मिलता। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो है ही सागर भाई वाला, सागर भाई के साथ में तो आपको जो रियलिटी है वो पता लगेगी कि यहाँ पे वास्तव में कुछ है या नहीं। और मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा आपके साथ वीडियो शूट करने का और देखने का कि क्या हमें फील होता है यहाँ पर। देखिए ज़माना चेंज हो चुका है, एक ज़माना था कि शमशान घाट मिट्टी पे होते थे, मिट्टियों की जगह होती थी, कुछ टीन नहीं होती थी, कुछ ऐसे फ्लोरिंग नहीं होती थी, लेकिन ज़माने के साथ ये चीज़ें चेंज होती गई, कुछ मॉडिफिकेशन आती गई तो शमशान घाट कुछ ऐसे बन चुके हैं। मतलब आपने तो देखे ही होंगे लेकिन मैं आपको पुराने और अब के टाइम का डिफरेंस बता रहा हूँ। तो बारिश का मौसम है, आप देखिए नीचे पानी ही पानी गिरा पड़ा है। प्लानिंग हो गई थी कि शायद कैंसिल करेंगे हम, लेकिन हमने सोचा बारिश में भी शूट करते, तो आइए चलते हैं। आज बारिश कुछ ज्यादा ही पड़ी है, मतलब बारिश ज्यादा हुई है सागर भाई आज। हाँ बहुत ज्यादा बारिश बंद ही थी, बंद होने का नाम नहीं ले रही, थोड़ी देर के लिए बंद हुई है तो हम शूट करने के लिए आए। देखिए सॉरी मैंने पैर गलती से रख दिए, एक ये है जहाँ पे डेड बॉडी जलाई जाती है। और आ जाइए आगे की तरफ। और यहाँ पर हम किसी की आस्था या किसी भी उसको ठेस नहीं पहुँचाना चाहते और ना हमारा कोई उद्देश्य है ठेस पहुँचाने का कोई भी। और ये है एक इसको उतार लेते हैं भाई, शूज को शूज उतारिए। शूज हमने उतार दिए ताकि हम यहाँ पे आप देखिए एक यहाँ पे एक डेड बॉडी जलाई गई है जो आज जलाई गई है। और एक और तरफ चलते हैं, शूज पहन लीजिए भाई कुछ ऐसी चीज ना हो। जी बारिश का मौसम हमें हर्ट करे थोड़ा सा। अब बिच्छू वगैरह का भी डर है क्योंकि झाड़ियाँ बराबर में हैं यहाँ पर भी एक बना हुआ है जहाँ पर डेड बॉडी जलाई जाती है। एक बार आप इसका दिखाएं भाई जी, डेड बॉडी जलाई गई थी वहाँ पे पीछे और आगे की तरफ भी पीछे झाड़ियाँ हैं थोड़ा सा। ये मैं नीचे की तरफ आप दिखा दो, ये पूरी झाड़ियाँ हैं नीचे भी वहाँ पर डेड बॉडियाँ जलाई जाती हैं। वो पूरा यमुना जी का पानी आ रहा होगा कैमरे में उधर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा और ये इधर दिखाइए पूरा, ये यहाँ पे हो जाता है झाड़ियों का शुरुआत हो जाती है। और बारिश का मौसम है भाई, सांप बिच्छू और इनका सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर है क्योंकि झाड़ियों में बारिश के मौसम में ये सारी चीज़ें निकल सकती हैं क्योंकि उनका भी पर्यावरण से भाई ये सब प्रकृति का वो है। बिल्कुल। और आपको बता देता हूँ ये लोकेशन ज़्यादा बड़ी है लेकिन इस शमशान घाट को जितना बनाया गया है उतना ही है, लेकिन इस पूरी तरफ पहले के टाइम पे मतलब 5-10 साल हो गए ना इसे बने हुए। हाँ बिल्कुल 10 साल पहले यहाँ पे हर जगह डेड बॉडी जलाई जाती थी क्योंकि आपको बता देता हूँ सबसे ज्यादा जो ऐसी जगहों पे गांव में विलेजेस में सबसे ज्यादा ऐसे घाट पे यमुना जी गंगा जी पे डेड बॉडी जलाई जाती है क्योंकि वो जो बताते हैं कि उनका जो अस्थियां कि वो उनको इधर ही बहा दें विसर्जन कर दें तो इसलिए ये सब किया जाता। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं है। अभी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस तरफ इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना यहाँ पे आज जो चिता जलाई गई है। हाँ। आज जो ताजा हुई है एक बार जो अब नया एक बार वहाँ पे जाके कुछ ऐसा वहाँ पे चलिए देखते हैं कुछ करने की कोशिश करते हैं क्या वास्तव में वहाँ पे क्या ऐसा फील होता है। हाँ लेकिन कुछ ऐसी चीज फील भी होगी तो वो भी बताएंगे लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं एक बार है ना। हम EMF मीटर है। चलिए आज दो EMF मीटर है, भाई भी EMF मीटर लेके आए तो हम इसे यहाँ प्लेस करते हैं वहाँ नहीं करेंगे। दो EMF मीटर एक साथ काम करेंगे। आ जाइए आप भी आइए जी। एक इधर रख लेता हूँ यहाँ लगा दिए। हाँ इधर लगा दो, पास पे लगा दो थोड़ा सा ना। और मोशन सेंसर लाइट भी है। जी और हम यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी एनर्जी होगी अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो शायद इसके जरिए हम जान सकेंगे। थोड़ी पीछे चल जाते हैं भाई जी, थोड़ा सा लाइट बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर हुई है इससे थोड़ा यहाँ ही भाई इस तरफ आ जाइए। क्या कोई है यहाँ पे जो हमें सुन सकता हो देख सकता हो और हमारी प्रेजेंस फील कर सकता हो? अगर कोई भी यहाँ पे है तो इस मीटर के पास आइए, इन 2 मीटर के पास आइए या इस लाइट के पास आइए। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो हम आपकी प्रेजेंस फील कर सकेंगे।
हम जान पाएंगे कि आप यहाँ पे हो। अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी एनर्जी कोई भी शक्ति जो यहाँ पे हो तो इसके पास आइए। अगर आप इसके पास आएंगे तो इस पे लाइट जलेगी और हम जान सकेंगे कि आप में से कोई भी ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी है तो प्लीज आप यहाँ पे आइए। कोई भी आत्मा, बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव है। देखो सेंसर जला है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक सेंसर लाइट जली है। क्या आप हमारे जो ये एक ब्लैक कलर की मशीन रखी हुई है, क्या इन पे कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं? इनकी बत्तियां भी बिलिंग करने लगेंगी। क्या कोई यहाँ पर मौजूद है? दोबारा आप मोशन सेंसर हमारा जला सकते हैं? अगर आप इसके सामने से मूव करेंगे तो हमारा ये मोशन सेंसर दोबारा से जल जाएगा। क्या दोबारा इसके पास आ सकते हैं आप? कैसे आप छू सकते हैं? या इन ईएमएफ मीटर, ये जो काले कलर के रखे हैं मशीन, इन पे लाइट जलेगी अगर आप यहाँ पे आएंगे, इसके पास आएंगे। क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है? दोबारा जला। अच्छा, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन मतलब आप इसके पास आके हमें साइन दे रहे हैं अपने होने का? सुन पा रहे हैं हमें? आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आप हमें देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो सिग्नल दीजिए इन मीटर पे या इस मोशन सेंसर लाइट पे। क्या आप हमें देख पा रहे हैं? देखिए, घबराइए मत, हम आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल, हम सिर्फ एक बात करने के और एक जानकारी देने के बिल्कुल देख पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम समझ गए, आप हमें देख पा रहे हैं। क्या आप ये मशीन को भी, इसकी बत्तियां जला सकते हैं? दो मशीन जो रखी हुई है आपको दिख रही होंगी, इस लाइट के दोनों तरफ दो मशीनें रखी हुई हैं, दो मीटर रखे हुए हैं। कोशिश करिए, आप कर सकते हैं। थोड़ी सी अपनी एनर्जी और जुटाइए, इस मीटर की कोई भी लाइट ब्लिंक करके दिखाइए। आप कर सकते हैं, जब आप जला सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। क्या आप आदमी हैं? जो भी इस लाइट के पास आया है, क्या वो आदमी है या औरत है? अगर आदमी है तो लाइट जला के दिखाएं, चाहे ईएमएफ पे चाहे मोशन सेंसर लाइट पे। अच्छा, वो आदमी नहीं है। आप औरत हैं? अगर औरत है तो जला के दिखाइए। आप बात करिए हमसे प्लीज। कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। बस हम ये जानने आए हैं, क्या ये जगह वाकई ऐसी है जहां पे आत्माएं घूमती हैं? आप दोबारा एक बार लाइट जला सकते हैं? क्या आप चाहते हैं हम यहां से चले जाएं? आप बात करना चाहते हैं तो एक बार लाइट जलाइए। आप चाहते हैं हम आपसे बातें करें तो एक बार लाइट जलाइए। हमारी कोई भी तीनों मशीन में से कोई भी लाइट आप जला सकते हैं। ये नहीं चाहते शायद, ये नहीं चाहते हम इनसे बात करें, वरना ये क्या आप हम आपको परेशान कर रहे हैं? क्या हमारे आने से आपको कोई परेशानी हुई है? तो भी आप लाइट जला सकते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर हमारे आने से आपको परेशानी हुई है तो एक बार लाइट जला दीजिए, ताकि हमें मालूम पड़ जाए और हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। देखिए, घबराइए मत, आप हमें एक बार फिर से सिग्नल, फिर से कोई ऐसा इशारा दे दीजिए जिससे हम जान सकें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या हम यहां से जाएं? शायद वो मूव कर गए यहाँ से, बात नहीं करना चाहिए, शायद चले गए, हम कहीं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिर से।
देखते हैं कहीं कुछ और मिलता है हमें तो देखते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यहाँ पे किसी को भी परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी, इन्होंने कहा है कि ये शायद ये जो लाइट जली है मेरे खड़े होने से जली है, मुझे ऐसा लगता है। इस पे साइन नहीं आए, हमें यहाँ से कहीं और जाके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्या नीचे चले हम थोड़ा सा आगे? जी जी जी, मीटर उठा लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी तक हमें EMF पे कोई सिग्नल नहीं मिले हैं, इस पे सिग्नल मिले हैं, लेकिन अभी मुझे जो लगता है वो ऐसा लगता है कि जो भी कोई एनर्जी है वो हमें पूरी तरीके से सिग्नल नहीं दे पा रही है, या शायद कम एनर्जी है उसके पास जिससे हमें पता चले। लेकिन बात किए, हाँ बात किए, जवाब आया है उधर से हमारे पूछे। चलिए, काफ़ी लोग ये बोलते हैं, देखो मैं इतनी सी बात और ज़रूर बोलूँगा कि मैं अकेले इन्वेस्टिगेशन करता हूँ या कुछ चीज़ होती है। आज शायद सरासत भाई हैं मेरे साथ, पहली बार इन्वेस्टिगेशन करी है इन्होंने, अपने सामने हकीकत देखी है। जी, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज हुई हो या लोग बोलते हैं कि भाई मोशन सेंसर लाइट जल जाती है। मैं उन सबको ये दावा करता हूँ और ये चैलेंज करता हूँ जो घर में बैठ के कमेंट कर देते ना भाई, अरे क्या पागल बना रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो। बस मैं इतना ही कहता हूँ कि शाम को 7-8 बजे के बाद ही आप शमशान घाट में चले जाओ। अब ऐसे भी कुछ लोग होंगे, मैं बताता हूँ थोड़ी सी क्लियर, अरे भाई हम तो वहाँ दारू पीते थे, जी 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 भाई हम तो वहाँ खेला करते थे, बैठा करते थे, ऐसी चीजें मैंने देखी हैं। लेकिन बैठ के कमेंट मत करो, हिम्मत है तो करो, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा ऐसे काम बिल्कुल मत करना, कभी मत निकलना घर से बाहर, ऐसी जगह पे मत जाना जिससे आपकी लाइफ में रिस्क हो, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क हो। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और बताना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं एक लोकेशन मैंने विजिट करी थी, एक हॉन्टेड, और आज ये मैंने कम्युनिकेशन देखा, इंटेलिजेंट जैसे बोलते हैं ना पैरानॉर्मल, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन, मतलब हम अपनी तरफ से कोई सवाल पूछ रहे हैं और उधर से जवाब आ रहा है हमारे सवाल का। देखिए भाई, मेरा ये मानना है कि चाहे नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, जैसे आप भगवान की पूजा करके कुछ भी मन्नत मांगते हैं कि भगवान मेरा ये हो जाए तो मैं ये करूंगा, मेरा ये हो जाए तो मैं ये करूंगा, तो शायद भगवान आपकी तब सुनता है और आपकी चीजें पूरी होती हैं। तो यही सेम अप्लाईज ऑन, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन करने के मकसद से आते हैं, न किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और न किसी का, हमारा जो मकसद होता है न किसी को नुकसान पहुंचाने का होता है। चलिए आइए भाई, दिखाते हैं फिर इस तरफ। जी, और हमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ पे फ्रेश, मतलब जी फ्रेश मतलब एक डेड बॉडी आज ही जलाई गई है, तो नहीं चाहते थे कि हम कोई ठेस पहुंचाए, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, इस वजह से हमने नहीं किया और माफी मांगते हैं हम। बिल्कुल, अगर कोई भी, हम क्षमा चाहते हैं अगर कोई भी हमारी तरफ से कोई भी लग रहा हो ऐसा, लेकिन हमारा मकसद है नहीं। देखिए ये बिल्कुल सब फ्रेश है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए एक बार कैमरे में, थोड़ा ले सकते हैं तो भाई जी आप क्लोज लीजिए इसे, बारिश हो रही है, देखिए बारिश की वजह से थोड़ा सा माहौल हो रहा है। तो चले भाई आगे की तरफ चले, वो एक बार वो ट्राई करके देखिए कुछ, यहाँ पे जो लोग आजकल हिम्मत डेयरिंग का वो चल रहा है, जो बाबा वगैरह, तो आप मेरे से चाहते हैं सब करवाना? बिल्कुल, आप रियल हैं तो हम चाहते हैं आप, और हम साथ साथ ट्राई कर रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करिए जो आजकल YouTube पे बाबा वगैरह कर रहे हैं, भाई यहाँ पे कम्युनिकेशन तो हुआ है, आप मेरी हिम्मत देखना चाहते हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है हिम्मत नहीं देखना चाहता, लोगों को बताना, हमें सच दिखाना है कि क्या ये चीजें आप एक बार करिए, दिखाइए, मैं भी देखना चाहता हूं, मुझे बताएं, आप बताएं एक बार, यहाँ के कोई भी ये जो राग जैसे बोलते हैं अगोर में बोलते हैं, क्या थोड़ी नाम निकल रहा हूँ, क्या ऐसे अगोर में बोलते हैं ना, इसका नाम निकल गया मेरे, अच्छा ये चाहते हैं मैंने हाथ में लूं, हाँ ये जो राग है डेड बॉडी जिसे आप हाथ में लेके, ये लीजिए, हाँ वो हाथ में ले ली मैंने, बिल्कुल लोग बोलते हैं ये बहुत ज्यादा वो होता है, भाई बिल्कुल ये आपको इफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। चलो आज मैं एक चीज भी कर देता हूँ जो कि मैंने नहीं करी और कोई यूट्यूबर भी नहीं कर पाया, मुझे पता है बहुत लोग मुझे बोलेंगे, मेरे घर वाले मुझे बोलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं घर वाले तो बोलते हैं थोड़ा देखते हैं तो डर ही जाते हैं, चले रखे इसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, भाई के साथ आके हिम्मत आ गई, अब तो इतना हिम्मत तुम्हारे अंदर दे दूंगा ना, कम्युनिकेशन होने के बाद ये किया है, जहाँ पे हमारे सिग्नल आए हैं, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन हुआ है, के बच्चा मैं चाहता हूँ घर से निकले बेधड़क,
हर जगह पे वो जाए उसे डर ना लगे, वो अपने माँ बाप से बोले ना कि मुझे वहां पे जाना है और मुझे डर लग रहा है। तो आज ये सब कर दिया, लोग करवाते हैं, बहुत सारे बाबा बाबाओं से बोलते हैं कि ये करके दिखाओ, घोरी से कराते हैं, लेकिन जो भी है इसे साफ कर लीजिए आप। और मैं क्षमा चाहते हैं अगर कोई भी ऐसी कोई भी यहाँ पे एनर्जी आत्मा मौजूद हो, हम किसी का मतलब ये हमारा उद्देश्य नहीं है और ये हम कोई भी, और आप हमारे पीछे ना आए, जो भी यहाँ पे आत्मा या जो भी एनर्जी हम जब भी कम्युनिकेशन कर रही थी उससे हम निवेदन करते हैं वो हमारे पीछे ना आए, क्योंकि हम और इसके लिए हम माफी चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये हमारा बार बार बोला है, ये सिर्फ हमारा जो चैनल का मकसद है सिर्फ डर हटाना है लोगों के दिल से, न कि कोई अंधविश्वास फैलाना। और प्लीज हमारे पीछे मत आना, हम आपको परेशान करने नहीं आए थे। जी जी जी, हमारे पीछे मत आना, मैं फिर से बोलता हूँ हमारे पीछे मत आना। सूट पहन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश बूंद आ रही है। देखिए बाबू लोग, अपने दिमाग को खोलिए, बहुत समझदार ऑडियंस है मेरी, मैं जानता हूँ, और प्लीज इन फेक चीजों को अवॉइड करिए। और जो लोग कमेंट करते हैं कि भाई ऐसा उसने किया वैसा किया, ये छोड़ दो यार, आपको जिसका कंटेंट पसंद आता है आप उसे पसंद करिए, कंपैरिजन मत करिए। क्योंकि मुझे जो लगता है भाई, मैं अपना मतलब ये मेरा एटीट्यूड नहीं है कि मैं नहीं चाहता आप मेरा किसी से कंपैरिजन करो, किसी फेक यूट्यूबर से, प्लीज तो उस चीज का ध्यान रखिए। और ये भाई सरासत भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे चैनल की कहके ले रहा है भाई, तो इसे सपोर्ट करिए, इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए। सच सच बता रहा हूँ, जो फेक दिखा रहे हैं सच्चाई दिखा रहा हूँ लोगों को, डरिए मत, अंधविश्वास में मत आइए, नहीं तो ये लोग ले डूबेंगे, और यही लोग हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं देश। भाई एक तो जॉब करता है, एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब करता है, उसके बाद टाइम निकाल के इतनी दूर दूर जाके सच्चाई दिखाता है, एक्सपोज करता है, चाहे हॉन्टेड वीडियो बनाता हो। ये चीज़ देख के जब मेरा भाई से कॉन्टैक्ट हुआ तो मैं भाई के पास आया, मैंने बोला भाई मैं करूँगा बिल्कुल साथ आपके साथ करूँगा, आप चलिए और भाई से सपोर्ट करिए, ही नीड्स योर सपोर्ट, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई के चैनल को। तो वीडियो का फ्लो इतना ज़्यादा था कि मैं ये बोलना ही भूल गया, ये बोलना ज़रूरी, आपको याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है बाबू लोग, कि बाबू चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरे भी भाई के भी इंस्टाग्राम स्नैपचैट ट्विटर फेसबुक हर जगह फॉलो कर लेना, सो डेट आपको मेरी लाइव अपडेट्स मिल सके, भाई की भी, और कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच गाइज, बस सपोर्ट चाहता हूँ। हर जगह की इन्वेस्टिगेशन होगी जो आप सोच भी नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, फेक लोकेशन नहीं है ना कि हर दिन वीडियो बन जाए, एक हफ्ते 10 दिन में एक बार वीडियोस बन पाती है। बिल्कुल, तो प्लीज सपोर्ट करिए, कीप सपोर्टिंग, फेक हटाना है, अंधविश्वास भगाना है और सच दिखाना है। ना भूत दिखाता हूँ ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच दिखाता हूँ।